Hi, welcome to School of Life. Chef Mansoor here, and today I'm going to show you how to make the perfect mud pot biryani, chicken biryani. So, आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ School of Life में by Mansoor's Kitchen special मटका बिरयानी कैसे बनाई जाती है, bestest मटका बिरयानी. तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, let's move on. So, यहाँ पर लिया है हमने 1 kg चिकन, और चिकन के हमने मीडियम पीसेस करवा लिए हैं बिरयानी के, और इसमें अब मैरिनेशन का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से मसाले डालने हैं इसमें. 1 spoon इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, 10 to 8 पीसेस ब्लैक पेपर, 5 to 6 पीसेस क्लोव्स, 6 to 7 पीसेस सिनेमन स्टिक्स, 1/2 tablespoon टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon क्रश्ड कोरिएंडर, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon क्यूमिन, 4 ग्रीन कार्डमम्स, 1 ब्लैक कार्डमम, 2 ड्राई बे लीव्स. सो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसमें 20 ml ऑयल, और साथ ही साथ 60 ग्राम फ्रेश योगर्ट, लिटिल बिट फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, जो कि इसमें बहुत अच्छा सा एक निखार लाएगा बिरयानी में. तो इसे आपने करना है अच्छे तरीके से मैरिनेट, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे से मिक्स होकर मैरिनेट हो जाए सारे मसाले, और इसे आपने कम से कम 2 घंटे तक मैरिनेट करके रखना है. इस बिरयानी का सारा राज ही इसकी मैरिनेशन और मसाले में है. सो राइट नाउ यहाँ पर हमने ले लिया है मटका, और मटके को रेडी कर लिया है. मटके में हम डालेंगे यहाँ पर अराउंड अगेन 20 ml ऑयल, इससे ज़्यादा नहीं डालना. और ये जो हमारा चिकन है, इस चिकन को अब हम शिफ्ट करेंगे मटके में. उसके बाद हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड जिंजर गार्लिक, 50 ग्राम है, और ये इसके अंदर मिक्स करना है हमने. 50 और 60 ग्राम का रेशियो है इसका, और इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स. सो मिक्स करने के बाद आपने मेक श्योर के इक्वली जो चिकन है उसको सेट कर लेना है पूरे पॉट में, कि वो सारी बोटियाँ एक तय में लग जाए. और यहाँ पर जो हमारे बर्तन में मसाला रह गया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, जो कि अराउंड है 100 ml. इसी के साथ साथ इस पे डालेंगे ड्राई प्लम्स आलू बुखारे, और इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 4 to 5 करी लीव्स इसमें ऐड करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. साथ ही साथ इसमें जो है 10 to 12 फ्रेश ग्रीन चिलीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इसी के साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन अनियंस, फ्राइड अनियंस, और इक्वली इसे भी पूरे मटके में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो यहाँ पर हमने 2 फ्रेश टमाटोज काटे हैं, स्लाइस किए हैं, इसे भी इक्वली हमारे मटके में हम तेल लगा देंगे, सेट कर देंगे. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रेश जो है मिंट लीव्स, वो भी हम इसमें तेल लगा देंगे. हमने लिया था 2 लीटर पानी, और 2 लीटर पानी में हमने 2 चम्मच नमक के डाल दिए थे, और साथ ही साथ हमने लॉन्ग ग्रेन राइस जो है स्पेशल वाले लिए थे 1 किलो, और इसे हमने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में, खुले पानी में. सो अभी हम पानी को जो है रिमूव करेंगे, और चावलों को स्ट्रेन करके, पानी भी यहाँ पर हमारा उबल चुका है, इसमें हम डालकर इसे उबाल लेंगे अंटिल कि ये 70% डन हो जाए. इसे 70% हमने डन करना है, बाकी का जो प्रोसेस होगा वो दम में होगा.
सो राइस यहाँ पर हमने सर्व कर लिए हैं और अभी हम डालेंगे पानी में बॉईल होने के लिए। सो राइस यहाँ पर जो है हमारे हो चुके हैं अच्छे से तैयार और इनमें जो है कसर रह चुकी है थोड़ी सी और ये तकरीबन तकरीबन आप इसमें देख सकते हैं आपको बोन्स नज़र आ रही होंगी, हड्डियाँ नज़र आ रही होंगी। सो ये है 60-70% हमारे राइस तैयार। इसे अब हम कर लेंगे स्ट्रेन और लास्ट में जो हमारे हमने राइस रेडी रखे हुए थे राइस को इसमें तय लगा देंगे मटके के अंदर अच्छे तरीके से डिवाइड करके। सो राइस की लेयर यहाँ पर हमारी लग चुकी है और 1 किलो चावल यहाँ पर हमने सेट कर दिया है मटके पे और अब इसमें से एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे और इसे कम से कम 45 मिनट का लो फ्लेम पर मीडियम 1 इंच की आँच पर दम देंगे। तो मटका हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है और फ्लेम को कर लेंगे यहाँ पर ऑन और शुरू के 5 से 7 मिनट आपने फ्लेम रखना है बिल्कुल हाई पर। उसके बाद आपने अगले जो जितना भी टाइम है 30 मिनट का या 38 मिनट का वो आपने 1 इंच फ्लेम पे रखना है ज़ीरो पे। सो साथ ही साथ यहाँ पर हमने थोड़े से सुराख भी कर लेने हैं ताकि जो बिरयानी का स्टीम है वो निकल सके और हमारा जो दम है बहुत अच्छे से लग सके और मटके की जो खुशबू भी है इसमें बहुत अच्छे से समा सके। साथ ही साथ इसका जो कैप है वो भी हम इसके ऊपर रख देते हैं ताकि इसका जो दम है बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं आफ्टर 45 मिनट्स और फिर बिरयानी की प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी स्पेशल मटका बिरयानी किस तरह से बनी है। 25 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और हमारी बिरयानी को जो है अच्छे तरीके से धुआं निकलना शुरू हो गया क्योंकि ये मटका है मट पॉट है ये बहुत जल्दी हॉट आ जाता है। सो धुएं आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से धुएं निकल रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम है ये। सो मटका बिरयानी की खासियत यही है कि इसमें एक तो मिट्टी की खुशबू आ जाती है पॉट की जो है स्मेल आ जाती है इसमें और दूसरे नंबर पर बिरयानी भी ये एक तो बड़ी देग में नहीं होता तो ये मटका खुद एक देग स्टाइल होता है तो देग स्टाइल का भी इसमें अरोमा आता है और बहुत अच्छे तरीके से बिरयानी बनती है। सो आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है और अब हम करते हैं इसे अनरैप और देखते हैं इसका दम जो है किस कंडीशन में पहुँचा है, बिरयानी हमारी रेडी है या नहीं है और इसे भी चेक करने की ट्रिक है वो भी हम यूज़ करेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा हॉट और गर्म हो रहा है यहाँ पर, हम चम्मच को लेकर जाएंगे नीचे तह तक और हिला कर देखेंगे कि पानी है या नहीं है। सो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, तकरीबन तकरीबन हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है और अब आपके साथ शेयर करते हैं इसकी प्लेटिंग। सो ये है हमारी स्पेशल मटका बिरयानी जो कि तैयार हो चुकी है और थोड़े से हमने सादे भी निकाल लिए थे ताकि हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर सकें। तो अब हम आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल मटका बिरयानी जो कि बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनी है और मसाले से भरपूर है ये बिरयानी और ये 45 मिनट के दम पे बनी है। स्लो कुक पॉट बिरयानी है